दोस्तों, यदि आप भी कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, पहली जो सबसे पहली खबर जो कुवैत से आ रही है वो है मिस्री को लोगों के लिए है। यहाँ दोस्तों, कुवैत गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि जितनी मिस्री है जिन पे उल्लंघनकर्ता का जिन पे फाइन लगा हुआ है या फिर कोई भी फाइन है या फिर कोई लोन है, वो बिना लोन चुकाए या बिना कोई फाइन दिए अभी वो अपने मुल्क जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी वहाँ मिस्री लोग हैं वो बिना फाइन के बिना उल्लंघन पे जितना फाइन आपको लगा था सारा भी अभी के लिए टेम्प्रोरी माफ किया गया। यदि आप कुवैत वापस आते तो आपको वो फाइन भरना पड़ेगा। तो जो भी मिस्री वहाँ पे अपने मुल्क वो घर जा सकते हैं। दोस्तों, जो उल्लंघन के लिए जो वहाँ पे कैंप बनाया गया था, जो भी उल्लंघन करते हैं वहाँ के नियम कानून को बनाए जो कुवैत गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके उल्लंघन में जो भी लोग वहाँ पे नियम कानून को तोड़ते हैं तो उसके लिए एक कैंप बनाया गया है जिस कैंप में अभी टोटल 1600 लोगों को वहाँ पे रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1600 उल्लंघनकर्ता वहाँ पे मौजूद है जो नियम कानून को तोड़े हैं जिन पर फाइन लगाया गया है। दोस्तों, तीसरी जो वहाँ से कुवैत से जो अपडेट आ रही है वो अपडेट ये है कि वहाँ पे तीन दुकानों को वहाँ पे सीज किया गया है। जो वहाँ के निरीक्षण करता है वो तीन दुकानों को वहाँ सीज कर चुके हैं और वहाँ निरीक्षण करता वहाँ के 237 दुकानों पे वहाँ पे हमेशा नज़र बनाए बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत से दुकानें वहाँ पे जो सब्जी की दुकान है, जैसे खाने पीने के सामान की दुकान है, जैसे राशन वगैरह जो भी सामान हम लोग ले रहे हैं, खाने पीने की जो भी जरूरत की चीज़ें हैं, उन लोगों पे दोस्तों सामान के ज़्यादा कीमत ले रहे हैं। इनके कारण बहुत से दुकानों पर वहाँ नज़र रखा गया है। जिन दुकानों पर कंप्लेन किया गया था तो वहाँ पे ग्राहक बन के वहाँ पे वो गए हैं जो निरीक्षण करता है और वहाँ पे और सामान को ज़्यादा कीमत लेने पर उन सभी दुकानों को सीज कर दिया गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अभी 237 दुकानों पर अभी नज़र है। दोस्तों, अगली जो खबर दोस्तों, कुवैत में अभी उल्लंघनकर्ताओं में से 10 लोग उल्लंघन किए हैं, जिसमें से 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से आप जैसे कि आप देख सकते हैं आठ लोग हैं कुवैती हैं और 2 लोग वहां के जो वहां के रहने वाले नहीं है, मतलब 8 लोग वहां के प्रवासी हैं और 2 लोग अनप्रवासी। बताने वाला हूं, यदि आपके पास फैमिली वीज़ा है या कुवैत आप फैमिली वीज़ा से गए या फिर आपका 18 नंबर वीज़ा या फिर 20 नंबर वीज़ा है, तो दोस्तों आप वो वीज़ा को आप रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं मैं उस पर मैं वीडियो को अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, ये मैं आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपको मैं पूरे ऑनलाइन करके बताऊंगा, आपको मैं लाइव करके बताऊंगा कैसे आप अपने वीज़ा को रिन्यूअल कर सकते हैं बिल्कुल अपने घर बैठे और कैसे वो क्या करना सारे डिटेल मैं आपको बताने वाला। तो दोस्तों, वो वीडियो आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा, मैं आपको सारा डिटेल आपको बताऊंगा। अब याद रखिए दोस्तों, यदि फैमिली वीज़ा से गए या फिर आपका वीज़ा 18 नंबर हो या 20 नंबर हो, आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगली जो खबर दोस्तों वहां से कुवैत से जो आ रही है, दोस्तों मैं आपको बता दूं टोटल वहां पे आज की जो वहां जो मरीज वहां पे पाया गया है जो संक्रमित है वो कुल मिला के 79 है, जिसमें से मैं आपको बता दूं इसमें से सबसे ज्यादा उसमें भारतीय पाए गए हैं, फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेश, मिस्री और ईरानी भी कुछ लोग वहां पे पाए गए हैं। तो मतलब दोस्तों, टोटल वहां 79 लोग आज वहां पे पाए गए हैं। आपको मैं बता दूं वहां पे कुवैत में 1 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग अभी आईसीयू में, मतलब 20 लोग अभी काफी सीरियस है। तो दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी खतरा वहाँ पे खतरा हो रहा है, इसलिए वहाँ पे कुवैत गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि जो भी हम लोग नियम कानून को बना रहे हैं वो आप लोग के लिए बना रहे हैं। नियम कानून को सबको पालन करना है, चाहे वो प्रवासी हो या फिर आप उपप्रवासी हो, यार आप लोग सभी को वहाँ पे नियम कानून पालन करना है। यदि आपको नियम कानून को वहाँ पे तोड़ते हैं तो आपको तुरंत वहाँ आपको वो जो डिटेंशन कैंप बनाया गया है वहाँ पे जो रखने के लिए वो कैंप बनाया गया है, जो भी उल्लंघन करता है उसको वहाँ पे रखा जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों। अगली जो अपडेट दोस्तों जो अपडेट आ रही है कुवैत से, मैं आपको बता दूँ कि जो भी वहाँ पे लोग अभी वहाँ पे रह रहे हैं, आपको एक बात को वहाँ ध्यान देना है। यदि आपको कोई दुकान में कोई सामान आप खरीदते हैं या फिर खाने पीने के सामान हो या फिर सब्जी वगैरह की दुकान हो, यदि आपसे कोई भी वहाँ पे पैसा ज़्यादा कीमत ले रहा है पहले के मुताबिक अभी, तो आप वहाँ पे बहुत सारे टोल फ्री नंबर वहाँ पे जारी किया गया, कंप्लेन नंबर जारी किया गया, उस कंप्लेन नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इस दुकान नंबर से आपको यहाँ पे पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। तो दोस्तों, वहाँ से तुरंत वहाँ से जो निरीक्षण करता है वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे देखेंगे, यदि ऐसा वो कर रहा है तो वो दुकान को सीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, चाहे वो वहाँ कुवैत के रहने वाले हो फिर नहीं रहने वाले हो, आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी, तो मैंने सोचा आप तक शेयर करूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आपके रिप्लाई देने का। तो मिलते हैं साथी उसी तरह नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपने और अपने ख्याल रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।